गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 30 मई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है इंसिडर्स और इंसेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? कोई आपको जो मिसलीड करता है ना, ठीक है, या सिंपल भाषा में बोलो जो कपटी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडर्स। और इंसेंट्री का मतलब जो आपको भड़काए, ठीक है, क्या करें, भड़काए। क्लियर है? अब बोलना है क्या चाह रहा है, किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, इंडियाज पॉलिसी मेकर की, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं, मस्ट एड्रेस, उनको एड्रेस करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो थ्रेट है, धमकी है, खतरा है, किसका, बिल्डिंग फायर का। देखा होगा अभी आपने न्यूज़पेपर में कि एक हॉस्पिटल में आग लग गई, उसमें 30 बच्चों की जान चली गई थी, ठीक है। अब वो जो उसे अलाउ किया गया, उसको परमिशन दी गई होगी हॉस्पिटल को, जबकि उसका जो स्ट्रक्चर था या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बाहर जा रहे थे, वो प्रॉपर थे नहीं, तो जो परमिशन दे गई थी, इन चीज़ों को एड्रेस देना करना, इन चीज़ों को क्या करना है, एड्रेस करना है। तो उसके ऊपर लिख क्या हुआ, ये लिखा हुआ एडिटोरियल है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आज की बुकैब क्या क्या है जो कि इस एडिटोरियल में आई हुई है। पहला वर्ड है इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब होता है घातक हो और प्रचंड रूप से हो, या फिर बिगाइलिंग। बिगाइलिंग का मतलब जो आपको धोखा दे, ठीक है, बट हार्मफुल, धोखा भी दे और नुकसानदायक भी हो। इंसिडियरी का मतलब फसादी होता है, आग लगाओ, अराउजिंग एक्शन और रिवेलियन, वो ऐसा लग जाए कि जहाँ पे लड़ने को कोई तैयार हो जाए, वो वाली कंडीशन, ठीक है। डिवास्टेट का मतलब बर्बाद करना होता है, तबाह करना, डिजोल्यूट, रिवेज, बेस्ट, ये सब क्या है इसके सिनेम है। ग्रिम, विकट होता है, भयंकर होता है, कॉजिंग डिजेक्शन, जिससे कि निराशा आ जाए, दुखी हो जाओ, वो कंडीशन ग्रिम कहलाती है। परवेसिव का मतलब व्यापक होता है, फैलती हुई, डबल मात्रा आनी चाहिए, स्प्रेडिंग और स्प्रेड थ्रॉट आउट, यानी कि वो जो फैलता हुआ हो। शियर का मतलब बिल्कुल होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं। हेडवे का मतलब प्रगति या उन्नति बोल सकते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी आगे बढ़ रहे हो, क्लियरेंस हो, कोई रुकावट ना हो। टेलर मेड का मतलब कस्टमाइज हो, जो आप जैसा चाह रहे हैं आपके अनुसार हो, कस्टम वाला, यानी कस्टम पीस बोलते हैं ना, वो चीज़ टेलर मेड हो गई। जैसे मान लीजिए आप पैंट शर्ट बनवाने जाते हो टेलर के पास, तो वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, तो वो कस्टम पीस है आपके लिए, ठीक है। अपेलिंग का मतलब भयावह होता है, डरावना, जिसको बोलते हैं, कॉजिंग कंस्टर्नेशन बोल सकते हैं, डिसमे बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये भी आए हुए हैं। सेट असाइड, फ्रेजल वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, बचा कर रखना, रद्द करना, सस्पेंड इसको बोल सकते हैं या एनल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ उसमें ऐसे वर्ड जो रिपीटेड हैं, ठीक है, तो जैसे इंसिडरी है, डिवास्टेट है, ग्रिम है, और परवेसिव है, और अपेलिंग, सेट असाइड, ये वर्ड हैं वो जो आए हुए हैं, रिपीटेड हैं। अब मैं बात करता हूँ इंसिडियस, ये वर्ड आ सकता है क्योंकि अच्छा वर्ड है, ठीक है। दूसरी बात करूँ शेयर, ये भी आया हुआ है, वैसे मुझे याद नहीं रहा। हेडवे का मतलब प्रगति है, ठीक है, उन्नति, ये सब वर्ड जो हैं ग्रीन वाले, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं, और जो रिपीटेड हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। क्लियर है? और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी PDF ले लें, तो वो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। 10वें से अगर आप 8वीं कर पाते हो तो आपकी तैयारी सही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप कर देते हैं तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर है? और आप लाइक कर दिया करो, जिससे कि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट रहूँ, ठीक है। अब क्यूज पे चलते हैं। अभी आज अब टोटल EDM हैं, और अगर आपने ये EDM कर लिए पिछले साल वाले, ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। CGL 2023 के आए हुए हैं सब वर्ड, ये जितने भी EDM हैं। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम डरपोक, ठीक है। तो नॉटी तो शैतानी वाला होता है, शैतान, तो ये हो नहीं सकता। कॉमिकल, मजाक किया, ठीक है। नॉट ब्रेव, ठीक है, यानी कि डरपोक जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, या कायर बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। आप भी मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, तो नॉट ब्रेव वाला आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, उसने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, बट सून सी टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट, लेकिन वो धीरे धीरे एक नॉट में बंध गई, यानी ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम थी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कन्फ्यूज होती जा रही थी, क्या होती जा रही थी, कन्फ्यूज, यानी कि टाइड अप इन नॉट। क्या टाइड अप इन नॉट का मतलब क्या हुआ, कन्फ्यूज होना। तो मेक प्रोग्रेस इन आर्ग्यूमेंट
और डिस्कशन ये तो हो नहीं सकता, बिकम वेरी कन्फ्यूज ये हो जाएगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी कुछ भी काम कर रहे हैं कन्फ्यूज है तो आपका टाई अप इन नॉट होता है। वुडंट मॉडिफाई ओपिनियन, जो ओपिनियन है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्री टू स्मॉल चेंजेस एंड अदर पर्सन वॉन्ट, जब भी दूसरा पर्सन चाहता है कि चेंजेस होना लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड प्रोबेबली पनिश्ड, कि अपने जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है या जो भी काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, वरना पनिशमेंट मिलेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करूँ, सेकंड अप्रोप्रिएट है, ठीक है, सबके मीनिंग भी पता चल गई होगी। किक द बकेट, भाई ये नहीं मालूम तो आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं मालूम, तैयारी नहीं है, इसका मतलब ही डाई होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। इल का मतलब बीमार होता है, ठीक है, या बुरा बोल सकते हो आप, ठीक है, और डाई का मतलब मरना पता ही है, और बैड का मतलब बुरा। तो फिलहाल बात करूँ टू डाई होता है, किक द बकेट मालूम होना चाहिए, बहुत ही फेवरेट है SSC का। मिस द बोट या मिस द बस भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हुआ क्या मिस द बस, मिस द बस का मतलब हुआ कि कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो छूट जाना, ठीक है, तो क्या हो सकता है आगे देखिए। मिस गुड अपॉर्चुनिटी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, लेट होना, मिस गुड मोमेंट और योर लाइफ ये भी नहीं है, और मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रैवल ये भी नहीं है, ठीक है, ट्रैवल का मीडियम छूट जाना वो तो नहीं। आंसर की बात करता हूँ, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, प्लस जो है अभी भी केस को सॉल्व नहीं कर पाई है, सीम टू बी, ऐसा लगता है, केस कैसा है, इन अ पिंक, इन पिंक का मतलब होता है बेलबिंग, बेलबिंग का मतलब स्वस्थ, ठीक है, हार्ड टू नट क्रैक यानी कठिन होता है, और टर्निंग अ न्यू लीफ का मतलब हुआ कि बदलाव करना, चेंज लाना, ठीक है, नटशेल का मतलब संक्षेप में होता है। आप मुझे बताइए कि जो केस था सॉल्व होने में नहीं आ रहा था, कैसे प्रतीत होता, कठिन, हार्ड टू नट टू क्रैक, जो कठिन हो इसलिए। अच्छा, टू बेल द कैट यानी कि घंटी बांधना, तो रिस्क लेना ही तो होता है, चूहे वाला वाला केस कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है, तो देखिए, फीड पैट्स जानवरों को खिलाना नहीं, लव कैट ये भी नहीं है, प्ले विद किड्स ये भी नहीं है, फेस द रिस्क, बिल्कुल ये हो जाएगा कि चूहे बोल रहे थे घंटी कौन बांधेगा, चलो मालूम पड़ा, सुना था कहानी ये थी कि जब चूहे थे वहाँ पे बिल्ली आती थी उसको खा लेती थी चूहों को, तो एक ने बोला कि ऐसा करते हैं कि घंटी बांध देते हैं चूहे के बिल्ली के गले में, अगर बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा और हम बिल में चले जाएंगे। लेकिन फिर एक जो उनमें वृद्ध था, एक्सपीरियंस होल्डर था, उसने बोला कि बांधेगा कौन, रिस्क कौन लेगा, ठीक है, जो रिस्क लेगा वो तो खा लिया जाएगा, है ना, तो वही वाली बात होगी, यानी कि रिस्क कौन लेगा, फेस द रिस्क। नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस अगर किसी को मालूम है तो बता दीजिए, क्योंकि ये ज़बरदस्त है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CGL में, ध्यान रखना, ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है बेईमान, बेईमान, ठीक है, तो ब्रीफ नहीं हो सकता संक्षेप में, डिसऑनेस्ट हो सकता है, फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर, तो ये भी नहीं हो सकता, नियर बाई करीब में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका आंसर होने वाला है, शार्प प्रैक्टिस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट स्मॉल प्रॉब्लम, जैसे ये दे रखे हैं, इसमें क्या है, अब यहाँ पे नीचे इन्होंने EDM ही दे दिए आंसर में, अब इसमें टिक करना है, अब मालूम हो एग्जैक्टली तभी कर पाओगे वरना तो नहीं हो पाएगा। अ स्टॉर्म इन टी कप, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ा बनाना, छोटी बात को बढ़ाना, ठीक है। गेट टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन, टेस्ट करना ये भी नहीं हो सकता। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब बार्किंग अप रॉन्ग ट्री का मतलब क्या, तो ये भी समझ लीजिए पहले, इसको भी समझा देता हूँ कि कोई आपका जो तरीका है वो सही नहीं है काम करने का, तरीका अच्छा ना होना, ठीक है, काम करने का, कोई काम करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, मतलब जहाँ हमें जाना है उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं और उसी का राग अलाप रहे हैं, तो क्या हो गया, बार्किंग अप रॉन्ग ट्री। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले पर नमक छिड़कना, ठीक है, तो अब आप देखिए क्या आंसर हो सकता है,
छोटी सी बात का बतंगड़ा बनाना, बिग फस अबाउट स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी बात का बतंगड़ा बनाना है, छोटी बात को बढ़ा देना। तो आ स्टॉर्म इन आ कप, ठीक है, टी कप। कीप समवन आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि नज़दीक होना, ठीक है, या थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, दूरी बनाना, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, अवॉइड बिकम फ्रेंडली, ये हो जाएगा, बिकम समवन्स एनिमी, तो ये नहीं है, शत्रु नहीं बनना है। आगे है अवॉइड बिकम बिटर विद समवन, किसी साथ बुरा होना, ये भी नहीं है, ठीक है। अवॉइड प्लेइंग विद समवन, ये भी नहीं है। कहने का मतलब ये है अवॉइड बिकम वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली मत होइए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है रूल द रूस्ट का मतलब किसी चीज़ का मुखिया होना, यानी कि रौब जमाना, रौब जमाना, आप अपनी चलाओगे, मुखिया होगे तो ना, वही वाले। टुडे द कंट्री नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट, हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब गिव, ठीक है, गिव द जॉब, और नेशनलिस्ट है वो जॉब देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रूल द रूस्ट का मतलब मुखिया होना, टू बी प्रिजुडाइज, पक्षपातपूर्ण, ठीक है। एक्सप्लॉइट समवन, शोषण करना किसी का, ठीक है। टू बी इंचार्ज, मुखिया होना, नेतृत्व करना। टू सेव क्रिमिनल, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के ईडियम, कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आज का सेशन कैसा लगा, हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा हो तो उसे अवॉइड करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दें, और आपकी तैयारी में मैं कितना हेल्पफुल हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ, कर पाऊँ, ये भी मुझे बता सकते हैं आप। अगर आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, किस चीज़ पर तैयारी चाहते हैं आप, तो मैं उस पर भी करवा दूँगा, आप मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।